वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। आज हम आपको दिखाने वाले हैं रामपुर शहर जीनत होटल के रूम टू। आपको देख सकते हैं आपके बहुत ही ज्यादा चर्चा में चल रहा था यहाँ पे होटल जीनत का। पहला अगर यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो इन लोगों ने अरेंजमेंट दे रखा है वो आपको इस तरीके का अरेंजमेंट इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे आप लोग इजी यहाँ पे बर्थडे पार्टी कर सकते हैं, शादी की पार्टी कर सकते हैं, एंगेजमेंट पार्टी कर सकते हैं। ये हॉल देख सकते हैं काफी ज्यादा लार्ज बना रखा है, प्लस यहाँ का इंटीरियर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा दे रखा है। प्लस आप लोग चाहे यहाँ पे आप लिफ्ट भी दे रखे, आप लिफ्ट भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके साथ बुजुर्ग वगैरह आते हैं तो वो लोग लिफ्ट का भी यूज कर सकते हैं, बट हम तो यंग लोग हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं यहाँ का सिनेरियो किस तरीके का होटल के रूम का। हेलो गाइस, फाइनली आप लोग देख सकते हैं हम लोग नीचे से आए हैं ऊपर की तरफ। जैसे हमने ऊपर की तरफ एंटर किया है तो देख सकते हैं ठीक सामने आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंक्वायरी काउंटर। यहाँ पे आप इजीली आके बैठ के यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। और प्लस देख सकते हैं टेबल भी कितना प्यारा यहाँ पे टेबल दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे किसी भी ओनर वगैरह से बातचीत कर सकते हैं आप। और प्लस अगर आप इधर से थोड़ा आगे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं गणपति महाराज की यहाँ पे कितनी प्यारी मूर्ति दे रखी है। जो आपको सिनेरियो देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा प्यारा यहाँ का सिनेरियो दिखाई दे रहेगा। और प्लस देख सकते हैं ये है यहाँ पे रिसेप्शन। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो सारे रिसेप्शन पे आके अपनी इंक्वायरी को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ के जो रूम के रेट हैं वो सारे रेट आपके अलग अलग लगेंगे, तो अगर यहाँ पे आते हैं आप तभी यहाँ पे चेकआउट कर पाएंगे कि यहाँ के जो रूम के रेट हैं वो किस तरीके के हैं। और चलिए चलते हैं यहाँ से अपने रूम के अंदर और आपको दिखाते हैं कि रूम का इंटीरियर किस तरीके का आपका होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, आप लोग प्लीज वीडियो के अंदर कंटिन्यू। आप देख सकते हैं एक रूम है ये और एक रूम है ये वाला, बट हमें जो की मिलेगी वो की मिलेगी इस वाले रूम के। तो चलिए फटाफट यहाँ से चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं अंदर का सिनेरियो कैसा है। प्लस पॉइंट मैं अभी बता दूं, मैंने वीडियो तो स्टार्ट कर दिया बट मैं इसके अंदर तक एंटर नहीं हुआ कि इसके अंदर का सिनेरियो किस तरीके का है। ये लगाते हैं हॉल में और चलते हैं आगे। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं हम लोग रूम के अंदर एंटर हुए हैं। रूम के अंदर एंटर होने के साथ सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पे मिला है हमें स्विच बोर्ड। यहाँ से स्विच बोर्ड से यहाँ की लाइटों को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। और प्लस कंडीशन इस आपके रूम की मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपके दो फैन दे रखेंगे, एक फैन ये दे रखा है, एक फैन ये दे रखा है। अगर इजिली अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो बच्चे अगर यहाँ पे बैठे हैं तो फैमिली मेंबर जैसे हस्बैंड वाइफ है बोलो यहाँ पे आगे सिटिंग एरिया पे भी सिटिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग वाले सिटिंग एरिया पे आगे बैठते हैं तो सीधी बात है सिटिंग एरिया का भी देख सकते हैं स्पेस कितने ज्यादा, कम से कम मिनिमम इसके ऊपर 4 से 5 लोग इजिली बैठ सकते हैं। जब इसमें आप बैठेंगे तो आपको गर्मी तो जरूर लगेगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ऊपर का लगा रखा है फैन। इजिली आप इस वाले फैन से अपनी हवा ठंडी दिखा सकते हैं। और प्लस इससे थोड़ा सा मगर आगे ये देख सकते हैं ये रहा आपका मकान, बैठने के बाद इतना ही ज्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट यहाँ पे इन्होंने आपके मैट्रिक्स बिछा रखे हैं। इजिली इस पर बैठने के बाद इजिली आप आराम से सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और प्लस यहाँ पे देख सकते हैं कुशन, कुशन तो जस्ट लाइक ऐसे हैं जैसे कि आपकी कॉटन, बहुत ही ज्यादा स्मूथ आपके इसके कुशन से अगर आप यहाँ पे आते हैं और सोते हैं तो इजिली आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होने वाला है। इसके ऊपर तुरंत आपने रखा सिर और तुरंत सो जाएंगे आप। और प्लस देख सकते हैं यहाँ की बेडशीट देख सकते हैं, बेडशीट कितनी क्लीन है। आप लोग जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में अगर विजिट करते हैं तो व्हाइट कलर की जितनी भी बेडशीट्स होती हैं वो सब ब्लैक हो जाती हैं या येलो हो जाती हैं, बट इस वाले होटल की देख सकते हैं आपकी बेडशीट कितनी ज्यादा क्लीन है। प्लस देख सकते हैं कुशन भी कितने ही ज्यादा अच्छे हैं, कितने ही ज्यादा स्मूथ इसके कुशन होंगे आपके। अगर आप एज अ हस्बैंड वाइफ आते हैं अपने बच्चों वगैरह के साथ आते हैं तो यहाँ पे देखिए इन्होंने दो ड्रॉअर बना रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई आपका व्यक्ति लेटता है जैसे हस्बैंड वाइफ में जैसे कोई भी यहाँ पे अगर आपको बैठता है तो वो अपना जितना भी सामान है वो यहाँ पे रख सकता है। जस्ट लाइक प्राइवेट सामान जितने भी आपके मेकअप वगैरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब यहाँ रख सकते हैं। ये आपको जस्ट लाइक एज अ लॉकर दे रखा है। यहाँ पे स्पेस आपका बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे आप अच्छी क्वांटिटी में अपने सामान को ईजी आप सेफ रख सकते हैं। ऐसे हम करते हैं बात। और प्लस देख सकते हैं यहाँ पे दो आपके चार्जर के पोर्ट दे रखे हैं जिससे आप इजिली यहाँ पे आके चार्जिंग भी कर सकते हैं, चार्जिंग का भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो मानिए सीधी सी बात है हस्बैंड वाइफ ने कब्जा कर लिया इस वाले पे, तो दिखाते हैं हस्बैंड के लिए भी इन्होंने एक अच्छा सा आपका अरेंजमेंट दे रखा है। अगर हस्बैंड एज आते हैं यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो ये रहा आपका यहाँ पे टेलीफोन। यहाँ पे हम अपने सिंपल से टेलीफोन पे कॉल करने के बाद यहाँ पे हम अपने अच्छे से ऑर्डर दे सकते हैं, जो चीज हम अपने रूम के अंदर मंगानी है इजिली से वो यहाँ पे बैठ के हम लोग खा सकते हैं। आप प्लस देख सकते हैं एक रैक ये रही, यहाँ पे भी अपना सामान रख सकते हैं, जैसे प्राइवेट सामान हो गया या खाने का सामान हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं इसके अंदर अपनी। और प्लस सेकंड पॉइंट ये आता है इसके अंदर भी अपना सामान को इजी से कैरी कर सकते हैं। और प्लस ये रहा आपका एसी रिमोट, जो एसी आपकी लगेगी ठीक सामने इस वाले एसी का रिमोट है ये, आप इसे इजिली आके अपने हिसाब से कंट्रोल और एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको एसी का टेम्परेचर कितना रखना है। अगर आप गर्मियों में आए तो आपको एसी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि, और देख सकते हैं रिमोट लगाने के यहाँ पे कितना अच्छा हमें फंक्शन दे रखा है, इस तरीके से आप निकाला रिमोट और इजिली आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और प्लस यहीं से लिया आपने इसे रिमोट को एसी के अंदर फंसा दिया, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगाया कि रिमोट इधर उधर आपका गिरा हुआ नहीं है, एक जगह पे स्टेबल रखा हुआ है। अब प्लस पॉइंट मैं आपको ये दिखाता हूँ, अगर आपके साथ लेडीज वगैरह आती हैं तो उन्हें मेकअप का शौक होता है, सीधी सी बात अपनी पूरी ड्रेस को देखने का लुक होता है, तो उसके लिए देखा है यहाँ पे मिरर।
इस मिरर के अंदर देख सकते हैं आप ऊपर से नीचे तक मैं अपने आप को देख सकता हूँ। तो सोच सकते हैं लेडीज के लिए सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है मिरर। मिरर में आप पूरे अपने आप को चेक कर सकते हैं आगे से और पीछे से, और अपने लुक को हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपना लुक किस तरीके का रखना है। तो इस वाले होटल में जो मुझे पसंद आया मिरर बहुत ही ज्यादा पसंद आया पूरे लुक को देखते हुए। और प्लस कंडीशन ये बताना चाहूंगा, अगर आप इस वाले बेड पे आके एंजॉय करते हैं लेटते हैं तो देख सकते हैं बिल्कुल ठीक सामने आपकी लगी हुई है एलईडी। एलईडी में यहाँ पे आके आप एंजॉय कर सकते हैं। और प्लस देख सकते हैं फिर से यहाँ पे रैक अवेलेबल होंगी, एक रैक, दो रैक और थर्ड रैक, ये तीनों रैक आपकी आ गएंगे। और प्लस यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है एयरटेल का, इजिली कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे इजिली आराम से लेटना है। और लेटने के बाद हमें देख लेंगे यहाँ पे मूवीज या टीवी या कार्टून जो भी आप देख सकते हैं। तो सिनेरियो बहुत अच्छा आप लोग देख सकते हैं, ऊपर की सीलिंग भी कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो मैं यहाँ पे आपको 10/10 मार्क्स देने चाहूंगा इस वाले होटल, क्यों? क्योंकि इसका एटमोसफेयर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है मुझे। अब सीधी सी बात है, सुबह हो गई, उठ गए हैं सो के, तो क्यों ना वॉशरूम में भी चला जाए, करिए वॉशरूम भी चेक करवाता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ का। देखिए वॉशरूम से पहले मैं सोचा क्यों ना मैं आपको कबड्डी दिखा दूँ, क्योंकि कबड्ड में से कपड़े निकालूंगा तभी मैं वॉशरूम के अंदर जाऊंगा आपका। तो आइए कबड्ड दिखा। तो ये हमने कबड्ड करी, और यहाँ पे कबड्ड में देख सकते हैं हैंगर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे अपने कपड़ों को इजी कैरी कर सकते हैं। एज अ जाड़ों के टाइम पे आते हैं तो आपको यहाँ पे लिहाफ भी प्रोवाइड करा जाएगा। आप देख सकते हैं लिहाफ की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी दे रखी है यहाँ पे। अपने यहाँ पे लॉकर से यहाँ पे आप सामान को इजी रख सकते हैं। कपड़े तो थे नहीं, ऐसे चलते हैं वॉशरूम में मजे लेने के लिए। समझ रहे हो आप ते हैं वॉशरूम के अंदर, आइए फटाफट। गाइस फाइनली देखा हमने वॉशरूम से अंदर की तरफ एंटर लिया। अंदर की तरफ एंटर करने के बाद देख सकते हैं ये कमोड, सीधी सीधी सी बात है आपको होटल्स में कमोड ही मिलती है, हिंदी वाला आपको वॉशरूम नहीं मिलता है। कमोड आपने यहाँ पे यूज करा, कमोड यूज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वॉशबेसिन है, वॉशबेसिन से बहुत अच्छे तरीके से पानी आ रहा है। वॉशबेसिन यहाँ पे यूज करा, प्लस यहाँ पे टॉयलेट पेपर भी रखे हुए हैं, यहाँ पे शीशे भी दे रखा है, शीशे में अगर मेकअप वेकअप हल्का फुल्का करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट यहाँ पे आता है शावर दे रखा है, शावर से आप इजिली यहाँ पे खड़े होकर नहा सकते हैं। बहुत से लोग शावर को प्रेफर्स नहीं करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके नॉट भी दे रखे हैं जिससे पानी अच्छे से आएगा, इजिली नहा सकते हैं। और प्लस यहाँ पे आपकी बाल्टीज भी दे रखी है, बाल्टी से इजिली हम लोग नहा सकते हैं। आप लोगों को शावर का यूज नहीं करना है, अगर जाड़ों के टाइम आए तो ठंडे पानी का इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप गर्मियों में अगर आप लोग आ रहे हैं तो ठंडे पानी का एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोग जाड़ों में आ रहे हैं तो उसमें यहाँ पे गीजर भी लगा के रखा है लोगों ने, तो आप लोग गीजर का भी एंजॉय यहाँ पे ले सकते हैं, यानी गर्म गर्म पानी से नहाएंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अब प्लस मिल रहा है यहाँ की थीम व्हाइट है, इस रेस्टोरेंट होटल की जो थीम है व्हाइट है, सब कुछ व्हाइट है। प्लस आपका टॉवल भी देखिए कितना ज्यादा व्हाइट और कितना ज्यादा अच्छा यहाँ पे टॉवल दिखाई दे रहा है। तो आप लोग एक बार एंजॉय कीजिए यहाँ का सिनेरियो।